हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं फ्लैजोलेट मार्टिन एल्गोरिथम की। फ्लैजोलेट मार्टिन एल्गोरिथम इज एन एल्गोरिथम दैट अप्रोक्सीमेट्स द नंबर ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन अ स्ट्रीम और अ डेटाबेस इन वन पास। जितने भी आपके कोई भी आपको एक स्ट्रीम दे दी, सपोज नंबर्स की स्ट्रीम हो गई, लेटर्स की स्ट्रीम हो गई, व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई इज द फ्लैजोलेट मार्टिन एल्गोरिथम बेसिकली अप्रोक्सीमेट्स द नंबर ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट। जितने भी यूनिक ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू निकालेगा, कैलकुलेट करेगा इन सिंगल पास। ठीक है, इफ द स्ट्रीम कंटेन्स एन एलिमेंट्स विद एम ऑफ देम यूनिक, मतलब कितने टोटल एन एलिमेंट्स है, कंसिडर कीजिए कि एन एलिमेंट्स है और उसमें एम जो है वो यूनिक एलिमेंट्स है। सो दिस एल्गोरिथम रन्स इन ओ ऑफ एन टाइम, ओ ऑफ एन टाइम में वो रन करेगा एंड नीड्स ओ ऑफ लॉग एम मेमोरी। जितने भी यूनिक ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उनका लॉग लगाएंगे, बिग ओ ऑफ लॉग एम, उतनी मेमोरी रिक्वायर्ड रहेगी फ्लैजोलेट मार्टिन एल्गोरिथम को। एंड द टाइम रिक्वायर्ड इज ओ ऑफ एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स। द फ्लैजोलेट मार्टिन एल्गोरिथम इज एन एल्गोरिथम फॉर अप्रोक्सीमेटिंग द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ स्ट्रीम विद अ सिंगल पास। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है, अप्रोक्सीमेट करता है, उनका टोटल नंबर निकालता है इन अ सिंगल पास। नाउ स्पेस कंजम्पशन लॉगरिथमिक इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द स्ट्रीम। सो सब कुछ डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा आपके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका स्पेस कंजम्पशन डिसाइड होता है, मेमोरी कितनी लगेगी वो डिसाइड होता है। सो ऑल डिपेंड्स अपॉन द यूनिक ऑब्जेक्ट्स और वी कैन से द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। वॉट वी नीड टू डू, वी नीड टू डिटरमाइन द डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द स्ट्रीम यूजिंग FM एल्गोरिथम या फ्लैजोलेट मार्टिन एल्गोरिथम। सो लेट्स स्टार्ट। इनपुट स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स कितना है, यू हैव 1, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 1, ये आपका इनपुट स्ट्रीम है। नाउ हैश फंक्शन हमको एक अज्यूम करना है विच जनरेट हैशेस। ठीक है, हैश फंक्शन हम किसी भी डेटा पे अप्लाई करते हैं तो इट गिव्स अस अ यूनिक वैल्यू, यूनिक हैश विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बैक फ्रॉम दी हैश फंक्शन। मतलब ओरिजिनल डेटा आपको ऑब्टेन नहीं होगा एज सून एज यू जनरेट द डेटा इन टू अ हैश फंक्शन। ठीक है, सो 6x+1 mod 5 ये हमने एक हैश फंक्शन को लिया हुआ है। और अब x की वैल्यू क्या है, हमारा ये इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, 1 by 1 वी हैव टू टेक ऑल द स्ट्रीम्स, इनपुट स्ट्रीम्स। तो 6x+1 mod 5 में x की जगह पे हमने 1 डाला हुआ है, तो 6+1 mod 5 दैट इज 7 mod 5, द आंसर इज 2। तो h ऑफ 1 हमको आ गया 2। तो सिमिलरली h ऑफ 1, देन h ऑफ 3, देन h ऑफ 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 1. जैसे कि यहाँ पे देखिए 1, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 1. ठीक है, जो यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम्स है उन्हीं का हमने हैश फंक्शन कैलकुलेट किया हुआ है पूरा का पूरा, ये आप देख सकते हैं आप क्लियरली। हाँ, सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द हैश फंक्शंस। नाउ राइटिंग द बाइनरी इक्विवेलेंट, सबसे पहला स्टेप था जनरेटिंग द हैश फंक्शंस ऑफ द इनपुट स्ट्रीम। नाउ कैलकुलेटिंग द बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर हैश फंक्शन कैलकुलेटेड, जो भी आपने हैश फंक्शन कैलकुलेट किया है उसके लिए बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है आपको। जैसे कि 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 010, सिमिलरली फॉर 4 इज 100, 3 के लिए 011, 2 का हम कर चुके हैं, 0 के लिए 000 एंड देन सो ऑन। ठीक है, ये सब हम लोग रिपीट पे लिखा हुआ है, सारे के सारे नंबर्स का हमको बाइनरी इक्विवेलेंट जनरेट करना है। After doing this, our next step would be finding the trailing zeros. So now write the count of trailing zeros in each hash function bit. जैसे कि हमको आया था अभी, हमने binary equivalent में convert किया था, तो 010 trailing zero मतलब basically क्या होता है, the zeros at the rightmost end. ठीक है, right side से आपको counting चालू करनी है, जितने भी zeros आते हैं आपके continuous में वो आपका क्या होगा, दैट विल बी योर ट्रेलिंग जीरोस। जैसे कि यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस में एक ही जीरो आता है क्योंकि उसके बाद वन आ गया। ठीक है, तो ट्रेलिंग जीरो कितना हुआ, एक, ओनली वन। यहाँ पे बात करते हैं कंटिन्यूसली 2 जीरोस आ रहे हैं राइट साइड से काउंट करेंगे तो, सो 1 and 2 आर योर ट्रेलिंग जीरोस। यहाँ पे एक भी जीरो नहीं आ रहा राइट साइड से काउंट करने पे, सो देर आर 0 जीरोस। यहाँ पे 10, यहाँ पे 0 जीरोस, यहाँ 4 पे 1, 2, 2 जीरोस, यू हैव 2 जीरोस। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये बहुत ही अलग सा केस है जो आपको ध्यान में रखना है, बच्चे इसमें गलती करते हैं। नाउ एच ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, 0 को हम 000 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे 3 ट्रेलिंग जीरोज है, नो,
वाई नॉट, बिकॉज ट्रेलिंग जीरो तभी कहा जाता है जब उसके बाद बिट चेंज होके कुछ तो आए यहाँ पे. अगर यहाँ पे कहीं पे वन आता तो आई वुड हैव सेड यहाँ पे थ्री ट्रेलिंग जीरो होंगे, लेकिन यहाँ पे बस जीरो है, सो दे आर नॉट ट्रेलिंग जीरो. ट्रेलिंग जीरो तभी कहा जाता है जब उनको कट करने के लिए कोई और एक बिट आ जाए, वन का बिट आना चाहिए, तब हम कहेंगे इन्हें ट्रेलिंग जीरो. सो नाउ देर आर नो ट्रेलिंग जीरो, सो आंसर जीरो आएगा. 100 के केस में टू ट्रेलिंग जीरो, 010 के केस में वन, 011 के केस में जीरो, देर आर नो ट्रेलिंग जीरो. 100 के केस में टू, 010 के केस में वन. सो दिस इज हाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रेलिंग जीरो. ये हमारा थर्ड स्टेप है. अब लास्ट स्टेप की बात करते हैं, राइटिंग द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो. तो अब क्या करना है हमको, ट्रेलिंग जीरो में मैक्सिमम नंबर कौन सा है. तो अगर देखा जाए, सो वन है, जीरो है, वन जीरो टू, ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर मुझे टू दिख रहा है, मतलब मैक्सिमम ट्रेलिंग जीरो कितने हैं, टू ही है, टू से ऊपर कहीं पे मैक्सिमम ट्रेलिंग जीरो नहीं गए. सो वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, ध्यान रखिए स्मॉल आर का वैल्यू रहेगा आपका टू, ठीक है. द डिस्टिंक्ट वैल्यू, जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट इज यूजिंग कैपिटल आर. कैपिटल आर से हम यूनिक एलिमेंट्स का नंबर कैलकुलेट करते हैं, और स्मॉल आर क्या होता है, इट डिफाइंस द मैक्सिमम वैल्यू और द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो. तो अब क्या करेंगे, 2 का पावर r लिखेंगे, वेर आर इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम ट्रेलिंग जीरो. सो 2 रेस टू r, दैट इज 2 रेस टू 2, बिकॉज r का वैल्यू इज 2, विच इज इक्वल टू 4. हेंस आफ्टर फाइंडिंग आउट दिस वी केम टू द कंक्लूजन देर आर 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दैट आर 1, 2, 3, 4. जैसा कि हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन से देख के अगर आप मैनुअली करना चाहें तो आप तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं आराम से कि टोटल यूनिक एलिमेंट्स इसमें 4 ही है. लेकिन ये विद द हेल्प ऑफ FM एल्गोरिदम कैसे प्रूव करेंगे, ये बहुत ही जरूरी चीज है. और हमने जब ये पूरा का पूरा एल्गोरिदम किया तो यस वी केम टू द कंक्लूजन दैट हाँ, यहाँ पे टोटल कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है या फिर यूनिक एलिमेंट्स है, 4 है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्लैजोलेट मार्टिन एल्गोरिदम, विच इज बेसिकली यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द यूनिक एलिमेंट्स और द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.